आर पार के अंदर आपका भी डेब्यू हो रहा है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइए कि ये दोनों तो चले ठीक है, पहले के हैं, ये भी कर चुकी पहले, और ये तो खैर पता नहीं कब से फिल्में कर रहे हैं, मैं तो पूछूंगा नहीं अब, मगर आपको कैसा लगा? वेरी चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। एंड एक्साइटिंग, चैलेंजिंग कैसे लगा था? क्योंकि मुझे 8 घंटे पता नहीं कितने मीटर की पग पहननी पड़ी थी लाहौर की गर्मी में। रोज 8 घंटे वो पग पहननी पड़ी। तो ये आपको पहली दफा ये किसने ऑफर किया था कि ये रोल होगा? मुझे मेरे पेरेंट्स ने बता दिया था बस कि ये रोल है। डू यू वांट टू टेक द चैलेंज? मैंने कहा यस, क्योंकि मुझे बचपन से शौक है एक्टिंग का। आई हैव ग्रोन अप अराउंड फिल्म्स। अच्छा, तो ये वैसे इसके अंदर पंजाबी बोली हुई है आपने? हाँ जी। तो ये पंजाबी के अंदर कोई मसला वसला तो नहीं हुआ या बोलती है? नहीं नहीं नहीं, बोल रही। अच्छा, बोलन जेड़े सारे जिंदगी उर्दू जेड़ा बोल रहे हो, उन्होंने पंजाबी बोली मम्मी भाई ने? वो तो खैर उनका तो एक्सपीरियंस है इसके अंदर, मगर वो जो बच्ची है वो आजकल की बच्ची है, जरा बच्चों को होता है कि पंजाबी ये जो 8-8 घंटे पग पहन के बैठना, ये तो बड़ा टीडियस किस्म की चीज होगी। बहुत मुश्किल था, बट मैंने कहा मैंने ली है, मैंने कमिटमेंट दी है, करना तो पड़ेगा। तो जब अपने फादर को देखती थी पहले कभी सेट्स के ऊपर, जब वो एक्टिंग कर रहे हैं और बैठे हुए हैं 10-10 घंटे, तो अब कुछ फील हुआ कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम करते थे? बहुत ज्यादा फील हुआ। और स्पेशली अभी तो आप लोग तो जरा आए हो, तो इट्स अ बेटर एनवायरनमेंट दैट यू गाइस हैव लैंडेड इन। उस टाइम पे तो वरना जिस जमाने में इन्होंने की हुई हैं और जिस किस्म की इन्होंने एनवायरनमेंट में फिल्में की हैं, तो अब्बा की बहुत कदर महसूस हुई इस फिल्म के जरिए। दैट वाज द एरा व्हेन वी वर वर्किंग, मतलब वी आर वर्किंग माशाल्लाह। मैं उस वक्त जो हमारे कैमरा थे वो एरी के होते थे, और उसमें प्रोड्यूसर जो था उसके यहाँ पे हाथ होता था दिल पे, क्या रीटेक ना हो जाए, क्या रीटेक ना हो जाए, या रीटेक ना हो जाए। अब तो कार्ड की पैदावार है, हाँ जी चलो यार ये अच्छा नहीं हुआ एक और कर लेते, एक अच्छा नहीं हुआ एक और कर लेते, मगर सो एक्टिंग हैज बिकम वेरी इजी ना, इजी हो गया थोड़ा सा काम ये, है ना? हाँ, इजी हो गया। टीवी जो है वो छोटा फॉर्मेट जो है वो बड़े पर्दे पे आ गए। यूनिवर्सली पूरी दुनिया के अंदर ही अब तो ये विद डिजिटल तो कैमरा ही टोटल चेंज हो चुका है। बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, मतलब हर चीज आगे बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ चलना है, तो नो डाउट अबाउट इट। वैसे मुझे दिस इज द ओनली रीजन कि आते हैं एक्टर्स, आते हैं एक्ट्रेसेस आती हैं, 6 महीने के बाद उनका नाम किसी को नहीं पता होता, या उस 6 महीने भी नाम पता नहीं होता। ये वैसे क्यों होता है ये उनसे पूछे जी आप, मतलब जो पब्लिक है वो उनको पसंद नहीं किया उन्होंने। मगर क्या हमारे जमाने में ये होता था कि आप जब स्क्रीन पे आए हैं, अगर आपको लोगों ने पसंद नहीं किया तो स्क्रीन ने उगल के बाहर फेंक दिया आप। नाउ इट्स लाइक पार्टीज बनी हुई हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, हाँ जी हमने इन्हीं को लेना है, हमने इन्हीं को लेना है, सो लेट देम डू इट, देखते कितना अरसा पाकिस्तान इंडस्ट्री चलती। लेकिन सर साड़ी तो दुआ है कि जिस तरह ताड़ी पहली फिल्म हिट हुई सी, उस तरह साड़ी बेटी दी पहली फिल्म सुपर हिट होगी इंशाल्लाह। सजेशंस वगैरह लेती होंगी आप ऑब्वियसली, तो कभी डांट पड़ी थी कि सेट पे ये सीन सही नहीं हुआ दोबारा इसको रिकॉर्ड? मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि मुझे डांट पड़े। ये कॉन्फिडेंस है, बड़ी अच्छी बात है। मगर कभी वैसे बाबा तो नहीं डांटते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई डांट नहीं पड़ी? आज तक नहीं पड़ी। अच्छा, आज तक पड़ी नहीं, यानी कि नॉट जस्ट द फिल्म और द वर्क, पड़ी ही नहीं? क्योंकि अम्मी नाल होंदे ने ना, तो अम्मी से पड़ जाती होगी फिर तो। अब नहीं, दोनों पेरेंट्स ने आज तक ऐसे नहीं डांटा, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगी घर में हमेशा, और हमेशा प्यार दी है। ओके, और आपको वैसे कभी उकाशा पड़ी इनसे? नहीं। अच्छा, आपको भी नहीं पड़ी? कोई कभी कोई उन्होंने आपको कहा नहीं कि ये इस तरह कर लो या ये इस तरह सीन जरा यूं कर लो? नहीं, हम बहुत कोऑपरेटिव थे काम के दौरान, और ये मुझे टीच कर रहे थे, और मतलब हम लोगों में बहुत केमिस्ट्री, हालांकि मेरा इनके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन था, और मैंने इन्हें फिल्म के शूट पे बताया था दैट ही वाज माय क्रश। अच्छा जी। कहते अब भी है? मैंने कहा नहीं, अब वैरायटी आ गई। अच्छा, तो यानी कि ये क्रश भी थे जी उस जमाने में? तो खैर बहुत से लोगों के क्रश थे ये, और आप भी उनमें से एक निकली। और वैसे एक्टिंग सही कर रहे थे मेरे साथ? नहीं, वैसे फिल्म में नहीं नहीं, हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। आपके अलावा भी उन्होंने कुछ सीन किए होंगे? नहीं नहीं, बहुत अच्छा, हमने ट्रेलर आपने देखा? देखिए, हमने लड़का भेजा हुआ, इतना एक्सपीरियंस, आप कम से कम बता तो देंगे अगर कोई शिकायत का मौका तो नहीं मिला। नाल भाभी भी आए ने, क्रश नु समझाओ, ताडे इथे क्रश पै जाना जे मैं अंदर जा। उन्होंने पता है किनू किनू हो जे ते के हजे ते के क्रश है। अच्छा जी, अभी तक हैं फीमेल फैंस? यस ऑफ कोर्स। और वो उसी इंटेंसिटी से हिट करती हैं जिससे? ऑफ कोर्स यस।
यानी कि वही जो एक कहते हैं समुद्र की लहर जो है कि टकराती है, तो उसी तरह अब फीमेल फैंस अभी तक आके टकरा रही हैं, और अब तो भाभी को आदत होगी होगी, उन्होंने कहा नहीं आए वापस आएंगे टकरा के खुद ही वापस चली जाएगी। साड़ी की बहन ने ना उन्होंने एक बैग बड़ा रखा और एक छोटी भी रखी, इसलिए कुड़ियां ने सान वास्ते। एक्टिंग में आपकी इंस्पिरेशन कौन था जिसको देखकर आपने एक्टिंग शुरू की? इन्हें दस इन्होंने डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मेरे जी सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि फ्रॉम पाकिस्तान वहीद मुराद साहब, क्या बात, एंड नदीम बेग साहब, एंड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ कोर्स आई एडमायर अमिताभ बच्चन साहब, क्या बात। वैसे आकाशा को वैसे तो मैं तो देखता रहूँ माशाल्लाह से, आफ्ताब साहब के साथ बड़ा काम किया वैसे भी सोशल मीडिया पे, आपने एक्टिंग भी की, सिंगर भी बहुत अच्छी हैं, तो इंजॉय कैसे करती हैं एक्टिंग को या सिंगिंग को? मेरे लिए कोई भी काम मैटर नहीं करता, कोई मेहनत हो बस अच्छा हो, जब मुझे पता हो कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ मैं उस मोमेंट को एंजॉय करती हूँ, जब मैं एंजॉय कर रही हूँ तो मेरे लिए मोमेंट बहुत मैटर करता है। क्या बात है, इसीलिए आप आई, आज हम भी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ये बात वैसे है, मैं इनकी होस्टिंग भी देख रही थी, उसमें भी फुल एनर्जेटिक, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी, और सिंगिंग भी और एक्टिंग भी ऑब्वियसली हमें मजीद देखने को भी मिला। आशा अगर आप ना बताती हमें पता ही नहीं लगना था ना।